गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास नाइन्थ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3 एंड टुडेज टॉपिक इज फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सम ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन बिलो एंड हाउ दीज फॉर्मूलेज आर ऑब्टेंड। टुडे वी learn about valency. Attention please. First one is HCl. Valency of hydrogen is 1 and valency of Cl is also 1. Because the valency of both atoms whom are combining by one another are same, so only one atom of H and one atom of Cl takes place in chemical bond formation and forming HCl. ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं बैलेंसी को से क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बैलेंसी यहाँ 1 और 1 ऐसे ना लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे देखिए, इसकी बैलेंसी लिखी गई है 1 और इसकी बैलेंसी लिखी गई है 1। तो दोनों की बैलेंसी 1 और 1 है, ऐसे कंडीशन में आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका फार्मूला लिखा आपने वो H और एक ही H और एक ही Cl। अब हम H2O की बात करते हैं, ये पहला कंपाउंड था HCl। अब दूसरा एग्जांपल आपका H2O, ये समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां पर H और O दो एलिमेंट मिलकर के आपस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो H की बात करिए तो H की बैलेंसी और O की बैलेंसी, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी है, वो 2 है, उसके नीचे आपने लिख दिया बैलेंसी यहाँ लिखी हुई है जिस एलिमेंट की, और हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है वो आपने बता दिया कि 1 है। तो बैलेंसी दोनों की, इसकी 2, इसके 2 है, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब इन दोनों को बराबर करना होगा तो हाइड्रोजन ये 2 लेना पड़ेगा आपको और ऑक्सीजन 1 लिखना पड़ेगा। इसी कारण से यहाँ पर आप लिखते हैं, देखिए बैलेंसी 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 2, और 2 का आप 2 में 1 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 2, अर्थात H में 2 एटम H के लिए जाएंगे, और 2 में 2 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 1, तो ऑक्सीजन का अकेला 1 एटम रहेगा। इस प्रकार से H2O का मॉलिक्यूल बनता है। H2S की बात करिए तो उसमें H2O और H2S में कोई फर्क नहीं होता है, ये दूसरा था H2O। अब आप H2S में बात करें तो सल्फर की भी, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो सल्फर की भी बैलेंसी 2 ही होती है, इसकी बैलेंसी 2 और इसकी बैलेंसी 1, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, सल्फर की बैलेंसी 2। 2 और 1 का एलसीएम ले लिया जाता है, सिस्टम एक 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए आ जाएगा 2। 2 में 1 से डिवाइड करिए जितना आया, जितना देखिए 2 है उसमें 1 से आप डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, तो जब 2 आ जाएगा तो इसका 2 एटम लिखा जाएगा, और ये 2 में 2 का 2 को 2 से डिवाइड करिए तो 1 आ जाएगा, अर्थात सल्फर का 1 एटम लिखा जाएगा। इस प्रकार से इनका आप एलसीएम लेकर के दोनों को बैलेंस करते हैं और ये फार्मूला H2S बन जाता है। कार्बन की बात करें, यहाँ हम कार्बन ले रहे हैं, कार्बन की बैलेंसी कितनी है 4, और ये सल्फर है सॉरी Cl, इसकी बैलेंसी कितनी है 1, Cl की बैलेंसी 1 और कार्बन की बैलेंसी 4, 1 और 4 का एलसीएम ले लीजिए आ जाएगा 4, 4 में आप
फोर, फोर को फोर से डिवाइड कर दीजिए, देखिए फोर को पहले इससे डिवाइड करिए, जो एलसीएम आया उसमें इससे डिवाइड करिए, आ जाएगा वन, तो आप कार्बन एक लिखेंगे, ओनली वन एटम। और फिर इसमें आप फोर को वन से डिवाइड करिए तो आ जाएगा फोर, तो फोर जब आ जाएगा तो यानी कि सी एल के फोर एटम लिए जाएंगे तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल। इस प्रकार सी सी एल फोर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अगले क्वेश्चन पे बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन MgCl2 पे बात करें, तो ये Mg है और ये Cl, Mg की वैलेंसी 2 और Cl की वैलेंसी 1, तो आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया। अब रटे नहीं, कंसेप्ट पर जाएं, 2 और 1 का LCM ले लीजिए आ जाएगा 2, और 2 में 2 का 2 से डिवाइड करिए तो ए एम जी है ना, एम जी में 2 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो अकेले एक एटम लिखा। फिर 2 को 1 से डिवाइड करिए तो सी एल, तो 1 2 जा 2, 2 सी एल एटम, अर्थात ये 2 सी एल लिखे जाएंगे एम जी सी एल 2। यहाँ पर बता दें इस तरीके से फार्मूला लिखने का एक कंसेप्ट है, अगर Mg 1 और 2 Cl लिखेंगे तो ये फार्मूला लिखने का कंसेप्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए फार्मूला ऐसे लिखा है, कंसेप्ट बताया गया आपको, ये भी सब छोटी छोटी ये आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, जैसे आपसे सोडियम नाइट्रेट की बात की गई है, सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम है और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, और नाइट्रेट है ये नाइट्रेट आयन, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, जानते हैं आप NO3, और ये Na+ के फॉर्म में रहता है आयनिक मॉलिक्यूल, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो एलसीएम 1 आया, 1 में 1 से डिवाइड करिए 1 1 दोनों आएगा, और यही कारण है कि आप सोडियम नाइट्रेट का जब फार्मूला लिखते हैं तो एक सोडियम लिखते हैं और एक NO3 लिखते हैं और बन जाता है NaNO3 या आयनिक फॉर्म। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम पर यहां पर ये आयनिक मॉलिक्यूल है, ये क्वेश्चन नंबर है सिक्स, कैल्शियम है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज और ये OH माइनस, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी हो गई 2 और इसकी वैलेंसी हो गई 1, 2 और 1 का एलसीएम लीजिए 2 आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करिए 1 आया, अर्थात कैल्शियम एक ही रहेगा, और ये 2 में देखिए 1, 2 को 1 से डिवाइड करिए तो आपको 2 मिल जाएगा, अर्थात OH 2 2 लिखे जाएंगे, ये 2 OH को CaOH 2 ट्वाइस के रूप में लिखा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार से सेवेंथ क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की एक वैलेंसी 1 वैलेंसी एंड कार्बोनेट एक्सप्रेस 2 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हमने यहां पर 2 मार्क कर दिया, इसकी वैलेंसी 1 मार्क कर दिया, 2 और 1 का एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 2 में 1 को 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2 आया, तो 2 सोडियम के एटम था, 2 सोडियम एटम को Na2 के फॉर्म में फिक्स किया, फिर 2 को 2 से डिवाइड करिए 1 आया, अर्थात एक कार्बोनेट अकेला 1, ओनली 1 कार्बोनेट, एंड द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी Na2CO3 लाइक सच। कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा, जहां तक सब समझते हैं। अगले पॉइंट को देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड,
तो कैल्शियम की और ऑक्साइड की ये पहले बैलेंस ही ध्यान देना चाहिए आपको। कैल्शियम पर दो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज होता है। बोथ हैव टू बैलेंसीज, इसकी बैलेंसी भी टू हो गई, इसकी भी बैलेंसी टू हो गई। तो जब दोनों बराबर है, टू और टू कैल्शियम यानी केरोसिन नहीं है, हमें एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, कंसेप्ट समझ में आ गया। ये टू और टू कैल्शियम नीचे टू आएगा, टू से वन का टू को डिवाइड करिए वन आएगा, और टू से फिर टू को डिवाइड करिए वन आएगा। तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO लिखा जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया या कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8, जो कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया। 9 ये है और ये 10th है। तो कैल्शियम नंबर, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्वेश्चन नंबर 8, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन को हम अगले दिन बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इतने को रिवाइज करिए, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले दिन समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।